लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों का खुद का घर हो गया है। और ये देखिए अच्छा लग रहा है दिखने में, अब लग रहा है घर घर जैसा है। बहुत पूरा कचरा पड़ा हुआ था, किचन रूम भी ऐसे पड़ा हुआ है। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो चुका मॉर्निंग का टाइम। आज भी हमें यहीं पे रोना पड़ा अपने घर पे, क्योंकि साफ़ सफाई करवाएंगे आज नहीं, पेमेंट आज शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आधा पेमेंट हम दे चुके हैं, आधा और बचा, आधा से ज़्यादा हम दे चुके हैं, थोड़ा सा माने कि 20% पेमेंट और बचा हुआ है, तो लिमिट लगा होता है, तो आज क्लियर करेंगे। उससे पहले चलते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, अच्छी जगह पे आप लोग घुमाते हैं, जैसा होता रहेगा ब्लॉग में। शाम में वकील साहब भी आएंगे, सब कुछ बताएंगे और पूरे घर की साफ़ सफाई भी करवानी। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जस्ट अभी खाना वाना खा करके मस्त आ गए हैं, तो घर की साफ़ सफाई हो रही है। भैया जी एकदम झाड़ू उड़ू मस्त मार दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, झाड़ू मारेंगे उसके बाद जो है ना पानी से पहले धुलेंगे, उसके बाद है ना भैया पोछा मारना होगा, है ना, पोछा अच्छे तरीके से मार देंगे, क्योंकि बात यह है ना कि बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है ये सब पूरा का पूरा, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम वक्त लगेगा ही लगेगा। अरे तो टाइल्स वाइल्स है पर फिर भी गंदा है सारा जगह पर, तो उसको पूरा अभी थोड़ा सा झाड़ू मार देंगे, थोड़ा खिचकिचापन दूर हो जाएगा। देखिए सब एकदम गंदा एकदम उड़ रहा है, ऐसा सीन है। और साथ ही साथ हमको दो वीडियो शूट करना है अभी, किसी काम को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट है, तो भी शूट करना होगा अभी फटाफट। भाई साहब इतना धूल है कि दोनों भाई मिलके साफ कर रहे हैं तब भी नहीं साफ हो रहा है ना, इसे दो तीन दिन लगातार साफ करेंगे तभी हो पाएगा भैया, बहुत धूल है एकदम। थोड़ा बहुत साफ हुआ है, ये देखिए अच्छा लग रहा है दिखने में, अब लग रहा है घर घर जैसा है। बहुत पूरा कचरा पड़ा हुआ था, किचन रूम भी ऐसे पड़ा हुआ है, इसको अच्छे से धुलाई करेंगे सफाई करेंगे तब हो पाएगा। अभी दोस्तों ऐड वाले वीडियो शूट करना था, तो यहाँ पे जो लाइट लगा है उसको निकाल करके बाहर में लगाती हैं, ठीक है, ताकि पूरा क्लियरिटी मिल जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं ना बाहर, वकील साहब आ रहे हैं, उनके लिए कमरा बुक भी करना है, क्योंकि आएंगे तो कल रजिस्ट्रेशन होगा सारा कुछ होगा, तो होटल बुक करके आएंगे, उधर से तीन चार बल्ब लेके आएंगे, जहाँ जहाँ बल्ब लगाने हैं सब जगह लगा देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम हो। बाथरूम में भी लगवा देंगे, बाथरूम वाला टैंक जो उखाड़ करके हम लोग चाह रहे हैं कि छत के ऊपर में लगा दें, ठीक है। छत के ऊपर में इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि घर के अंदर है, साइड में है, घर के मतलब घर के बगल में है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो भैया हैं उनके पिताजी भी मिस्त्री हैं, तो उनसे भी राय विचार लेंगे। और उससे पहले हमको पानी वाला काम करवाना होगा, यानी समरसेबुल लगवाना होगा, यानी मोटर सेट करवाना होगा, ठीक है, तो वो भी काम करवाएंगे। फिलहाल अभी एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, ऐड का वीडियो शूट करके हमने भेज दिया कंपनी वालों के पास में, वो काम हो गया है। फिर अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा नाश्ता पानी यानी करते हैं, क्योंकि उसी में दिन भर हम लगे रहे थे, ठीक है। और एक ऐड शूट करने में कम से कम हम आपको बता दें कि 6 से 7 घंटा लग जाता है, ठीक है, प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी हर चीज़ें एक एक चीज़ें एक्यूरेट डालना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी होटल में आ गए और दिन भर आज काम किया हमारे भैया मिल करके, भाई तभी लस्सी पी रहे हैं, भैया का माइंड काम नहीं कर रहा है, मेरा भी काम नहीं कर रहा। बगल में देखिए ये किसको क्या बोलते हैं कूलर, कूलर चालू है तब भी दिमाग जो है ठंडा नहीं हो पा रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, उसमें घर की साफ़ सफाई करना, लेटरिन बाथरूम से लेकर हर जगह पे, ठीक है, झाड़ू लगाना, भैया भी झाड़ू लगाए हैं, हम भी लगाए हैं, ठीक है, उसके बाद भी उसके साथ साथ एक्टिंग करना, वीडियो शूट करना, ब्लॉग पोस्ट करना, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो आज तो काफ़ी लेट हो गया, कहीं घूम नहीं पाया, अभी रात में घूमेंगे तो आप सबको ब्लॉग दिखाएंगे। और कल मॉर्निंग में अपनी वाइफ को जो है ना, वैसे तो वीडियो देख चुके हैं ब्लॉग में, उनको वीडियो कल के हर एक एक चीज़ें दिखा देंगे, तो भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, उनका रिएक्शन कैसा रहता है, उनको कैसा लगता है घर हमारा, क्या भैया है ना, क्योंकि मेन मालकिन तो वही, उन्हीं को रहना है, समझिए पहले वो रहेंगी तभी तो हम रह पाएंगे, वो चीज़ें हैं। तो फिलहाल आइए, अभी लस्सी हमने मंगवाया, आप लोग भी आइए आकर के पी लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी रात का टाइम हो गया, मस्त खाना वाना खा करके निकल गए हैं, और गांव साइड में फिर से हम दूसरी साइड में आए घूमने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है रात के टाइम में। और यहाँ भी अभी हेलमेट लगा के चला रहे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट हुआ था ना, अगर हेलमेट रहता नहीं तो मेरा बीच से सर फट जाता समझिए, क्योंकि पत्थर साइड में और गिट्टी था, तो गिट्टी से आँख में धंस गया था, इस साइड में आपको दिख रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई थी हमको, बाद में बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, इसीलिए हम हेलमेट लगा के चलते हैं, कोई दिक्कत बात ना हो, है ना। बाकी ये सब पूरा रात के टाइम में आपको हर बार ब्लॉग दिखाते हैं, क्योंकि दिन भर शूट रहता है घर के बारे में, पूरा कागजात वाले पैसा वगैरह सब ये सब चीज़ों में ही लगे रहते हैं, घर की साफ़ सफाई में लग गए थे, जिसकी वजह से जो है ब्लॉग बना नहीं पाए घूम घूम के, ठीक है। जब सेटल हो जाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ें घर में सारा कुछ सेटल करना है, तो आपको पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा हमारे लाइफ में
क्योंकि हमारी लाइफ फिर से जो है बस रही है, बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल अभी घर पे पहुंच गए अपने धन्नव संधी को, आराम से लगा दिए घर के अंदर। कल पूरा और फिनिश हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा सीढ़ी वगैरह ना मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, उसको भी धुलवाना है, ठीक है। और अभी जो राशन वगैरह का सामान लेकर के आए थे, तेल वगैरह था, चिप्स था, पानी वानी, क्योंकि पानी यहाँ पीने वाला है नहीं तो अब किस किस से पड़ोसी से मांगे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जल्दी से जल्दी हमारा नाम हो जाएगा तो आराम से समरसेबुल लगा करके और फटाफट पानी जो पीने का व्यवस्था करवा लेंगे। फिलहाल अभी ये वाला लाइट को निकाल के अंदर में एडजस्ट कर लेते हैं। अभी एक चीज़ आप लोगों को कहना था कि भैया पंखा बंद करना, कि अभी घर लिए नहीं, सजाया भी नहीं है, सिर्फ आधा पैसा ही दिए, अभी आधा से ज़्यादा दे रखे हैं समझिए। और मॉर्निंग में आज मॉर्निंग है, आज रात का, अब आज रात खत्म होगा, मॉर्निंग तक मतलब एक्साइटेड इतना है कि जल्द से जल्द हमारे नाम हो जाए और घर को सजा दे। अभी समझ लो कि पहले से सजाया हुआ है तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, समझिए कितना अच्छा लग रहा है। भगवान गणेश जी का यहाँ पर फोटो, समझिए बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो इसको और सजवाएंगे और थोड़ा सा दरवाज़ा वगैरह में जो है ना वो होता है दियार बोलते हैं, तो वो सब मिट्टी हल्का हल्का सा लगा हुआ है, जो खाने वाला नहीं होता है लकड़ी को, ठीक है, जो कीड़ा होता है वो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं, तो उसे भी फिनिश करवाना है, उसे लकड़ी को हटवा के दूसरी लकड़ी एडजस्ट करवाना है, ठीक है। फ्रिज वगैरह होगा तो यहाँ पर अपना शिफ्ट कर देंगे, वॉशिंग मशीन आएगी तो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे इस प्रकार से। और हमारे मैडम का ये है ख्वाहिश कि जो अंग्रेज़ों वाला टब लगा हुआ है बाथरूम में तो उसको हटवा करके इंडियन वाला लगवाना है, ठीक है, वहाँ पे कमोड, जिसके कमोड बोलते हैं। गर्मी बढ़ रही है भैया, पंखा चालू कर दो। दोस्तों हमारी प्यारी भैया बहुत ही ज़्यादा खुश है, उन्होंने भी एक छोटा सा ब्लॉग बना के भेजा है, तो वो देखिए फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को पता है हस्बैंड जी मेरे साथ घर ले लिए हैं, मुझे ये कंफर्म नहीं पता, बोल रहे थे सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों का खुद का घर हो गया है और आप लोग हमारे वीडियो में ऐसे बने रहे, अपना सपोर्ट बनाए रखना। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमारी वाइफ को जो है ये घर पसंद आ गया और इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि क्या ही बताएं, ठीक है, जिसकी वजह से हम पूरे मजबूर हो गए कि नहीं ये लेना है, हमें भी पसंद आया था, बस इसमें थोड़ा सा मरम्मत करवाना, जैसे कि आप लोग ब्लॉग में देखा ही है, साफ़ सफाई जो हम लोगों ने किया है अभी, ठीक है, और भी साफ़ सफाई अच्छे से करना होगा, तो इसके लिए कारीगर लाना होगा क्योंकि उनको पूरा जरिया है कि क्या क्या चीज़ें पोछा कैसे मारेंगे और फिनाइल वगैरह जो जो चीज़ें होता है सब, तो वो देखेंगे भी। और भी सारा काम है, छत पर भी एक कमरा निकलवाना है उसके लिए भी, और बाकी जो कल का ब्लॉग आएगा, कल का ब्लॉग में आप लोग को स्पेशल चीज़ें देखने को मिलेगी। स्पेशल यही है कि कल हमारे नाम होगा ये घर, ठीक है, आज ही होगा, हालांकि आज ब्लॉग हम स्टार्ट करके जा रहे हैं तो वो तो ब्लॉग कल ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बस प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, यही कपड़ा पहने हुए एकदम नहा धो के तैयार हुए मॉर्निंग के टाइम में। और चलिए आई होप आज की वीडियो के लिए प्यार समझतेपुर से देखिए, खुद से गुजरात से देखिए, पूरा बगल पर इंस्टाग्राम में जाकर के फॉलो कर लीजिए, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।